प्लीज कोई है, प्लीज है, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, प्लीज कोई है, कोई है क्या? प्लीज सुनिए, सुनिए, आपके घर के बाहर कोई गोलियां चला रहा है, दो गोलियां मेरे सर के दाएं बाएं से होकर गुजरी है, कोई पागल फिर रहा है यहाँ पहाड़ियों में। मैं जानती हूँ। तो आपको भी हिफाजत करनी चाहिए ना, आप चुप जाइए, आप यहाँ चुप जाइए, ये सब तो शीशा है, उनको सब नजर आ रहा होगा। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। ये सब क्या हो क्या रहा है यहाँ? क्या हो गया? निशाना खता हो गया है और मुझे अपनी गलती तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं होता। ये मेरी बढ़ती उम्र का कसूर है कि मेरा निशाना अब चूक जाता है, वरना क्या तुम सोच सकती हो कि मुझ जैसी शानदार निशानेबाज अपने नए और महंगे गेट को यूं तबाह करेगी? कोई पागल ही ऐसे कर सकता है। घबराओ मत, मैं सिर्फ अपने घर की तरफ आने वालों पर गोली चलाती हूँ। एक बार वो मेरे घर के अंदर आ जाएं तो मेरे मेहमान होते हैं। दर अंदाजों पर गोली चलाना तो मेरा हक है, मगर मेहमान पर गोली चलाना आदाब मेजबानी और कानून के खिलाफ है। अब तुम्हें मेहमान बनना है या लाश, ये तुम पर मुनसिब है। मुझे लगता है आप हमारी तयशुदा मुलाकात भूल गई हैं। हमारी क्या? हमारी आज यहाँ मिलने की बात हुई थी सतपारा में शाम को 4 बजे, जिसके लिए मैं 1200 किलोमीटर बस का और 1.25 घंटे का कश्ती का सफर तय करके आई हूँ। और तुम हो कौन? जोए, मैं जोए कबीर हूँ। और बस किसी तारों भरी पुरसकून रात में तुम आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से ही सवाल तो करती होगी कि मुझ जैसी गुड फॉर नथिंग जिसे इस बेहिस दुनिया में तन्हा फेंक दिया गया आखिर है कौन? तो तुम अपने आप को क्या जवाब देती हो कि मैं जोए शब्बीर हूं? इन बेजोड़ अल्फाज की खनक तुम्हारे लिए तो काफी हो सकती है, मेरे लिए नहीं। इट्स कबीर। काफ से कबीर, ये काफ ही तो वो हर्फ है जिसमें तुम्हारी सारी शख्सियत का निचोड़ है, और ये काफ ही शायद सारी कायनात की तख्लीक का राज भी है। इस काफ के आगे तो एरिस्टोटल और अफलातून का सारा इल्म कोई मानी नहीं रखते। कबीर कबीर कबीर, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैं यजमान से आई हूं, वहां के एक लोकल अखबार बाजगश्त में मैं सहाफी हूं, आपने मुझे इंटरव्यू देने की हामी भरी थी। बिल्कुल झूठ, मैं सहाफियों से नफरत करती हूं, मैं सिर्फ अपने आप से बात करना पसंद करती हूं। तुम यूं दंदनाते हुए मेरे घर के अंदर घुस आओ, इसकी कोई एक भी ठोस वजह सोचने से कासिर हूं मैं। जी मुझे भी काफी हैरत हुई थी, लेकिन आपने ये हामी लिखकर भरी है, जबानी नहीं। ये आपका खत।
वाकई ये सब मैंने लिखा है? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि मैं इस इंटरव्यू पे क्यों राजी हुई होंगी? जी, इसके बारे में मेरी कुछ थियरीज हैं। थियरीज? मुझे लगता है हमारी खूब जमेगी। काम शुरू करें। अब तुम्हारे पास इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए यकीनन कोई टेप रिकॉर्डर तो जरूर होगा, जिसमें मेरी आवाज एक हीचड़ी की तरह सुनाई देगी। जो रिपोर्टर्स मेरी बातें रिकॉर्ड करते हैं वही मुझे सबसे ज्यादा मिसकोट करते हैं। कहती कुछ हूं, लिखते कुछ हैं। क्या तुम्हें मेरी किताबें पसंद हैं? यहां सवाल कौन पूछेगा, आप कि मैं? इंटरव्यू अभी शुरू नहीं हुआ। तुम्हें मेरी किताबें पसंद हैं या नहीं? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम खुदा के बारे में बात करें। Elaborate. हम पहले से ही खुदा के बारे में इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ सुन रखा होता है, ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि हम दरअसल खुद खुदा के बारे में क्या सोचते हैं। We're already influenced. आपकी रेप्यूटेशन भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही है, ये मुझे आपके बारे में कोई जाती राय कायम ही नहीं करने देती। आई मीन, आपको कमाल फन अवार्ड मिल चुका है, आपकी किताबों के 30 से ज्यादा जबानों में तर्जुमे किए जा चुके हैं, आपकी हर किताब का एक एक नुक्ता इतनी बारीक बीनी से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, अब ऐसे में मेरी राय क्या अहमियत रख सकती है? कमाल फन अवार्ड, इस हकीर से तमगे के लिए अपनी राय को यूं मुतासर मत होने दो। आप ये मॉडेस्टी दिखा सकती हैं क्योंकि आपके पास ये अवार्ड है। मॉडेस्टी और मैं, मेरे ख्याल से तो मॉडेस्टी का कोई वजूद ही नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड मॉडेस्ट लोग हैं ना, वो आजिज नजर आने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि उनकी मजीद तारीफ की जाए। तुम कहीं अपनी मॉडेस्टी में ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रही कि तुम्हें मेरी किताबें पसंद नहीं हैं? नहीं, आपको तो इतनी दाद मिलती होगी, आपकी नजर में मेरी राय की क्या अहमियत हो सकती है? वैसे मैं आपके बारे में अपनी राय का बेहतर इजहार कर सकूंगी जब आपको मरे हुए 2 साल हो गए होंगे। बहुत खूब। तो तुमने मुझे पढ़ तो रखा है या नहीं? बहुत ज्यादा। और ऐसे कि शायद किसी ने भी ना पढ़ा हो। इंटरव्यू शुरू करें। आपकी ये नई किताब छाया हुई है, इश्क मुश्क, ये आपकी 21वीं किताब है और उर्दू की 7वीं। इस किताब की कहानी एक मर्द और औरत के दरमियान होने वाली रोमानवी खत किताबत पर मबनी है। पहले तो इन दोनों का रिश्ता महज जिस्मानी था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से शदीद मोहब्बत हो गई। मगर फिर अचानक इस औरत ने स्ट्रेंजली दोनों पर एक फिजिकल सेपरेशन लागू कर दी और ये फैसला किया कि
अब से वो दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ और सिर्फ खतों के जरिए किया करेंगे। मर्द ने इसे मजबूरन कबूल किया था और फिर ये दोनों एक दूसरे को एक तवील अरसे तक खत लिखते रहे, 15 साल तक। लेकिन फिर अचानक ये खतों किताबत भी बंद हो गई, लेकिन इसकी कोई वजह किताब में बयान नहीं की गई है, क्यों? मैं इस खतों किताबत से बोर हो गई थी। बोर? आपको अंदाजा है कि आपकी इस किताब ने कितना तहलका मचाया है? ये पहली बार है कि आपने इश्क और मोहब्बत पर इतना खुलकर लिखा है, वरना आपकी किताबें तो फलसफे पर मबनी होती हैं। They are calling it your greatest novel. बाक। आप अखबार नहीं पढ़ती? नहीं। रेडियो, टीवी? मैं अपनी जिंदगी में दखल दर माकूलात पसंद नहीं करती। ओके, आपका ये 21वां नॉवल एक मास्टरपीस तस्लीम कर लिया गया है, आप इसे किस तरह देखती हैं? मैं अपनी बाकी की 20 किताबों के लिए बहुत दुखी हो रही हूँ। अपनी औलाद की तरह चाहती हैं आप उन्हें? नहीं, माँ की तरह ख्याल किया इन्होंने मेरा। मेरा सारा खर्चा पानी यही तो उठाती हैं, और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आप इतनी कामयाब हैं, आपके पास काम की महारत है, शोहरत है, अवार्ड्स की बरसात है, फिर भी आप तल्ख हैं, क्यों? इंटरव्यू? जी, क्या हम आपकी किताब में जो ये आदमी का किरदार है मिकाइल खान, इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये सारी खतों किताबत आपके यानी सोफिया नूर और मिकाइल खान के दरमियान ही हुई है, और आपके बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन ये मिकाइल खान के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसलिए कि उस कैरेक्टर का कोई हकीकी वजूद नहीं है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये कहानी आपके जहन की इख्तरा है? मैं मुसन्निफ हूँ, फोटोकॉपी मशीन नहीं। लेकिन इस कहानी में जो औरत का किरदार है वो तो बिल्कुल आपकी अपनी डिपिक्शन है। जी, ये सब खतूत आप ही के नाम से लिखे गए ना, सोफिया नूर के नाम से? क्योंकि वो मैंने जो लिखे हैं। और जो खत मिकाइल खान के नाम से लिखे गए? वो भी मैंने लिखे हैं। तो आपने ये कहानी किसी रियल पर्सन से इंस्पायर होकर नहीं लिखी है? जहां तक मुझे इल्म है, नहीं। आपकी जिंदगी में आने वाले मर्दों या किसी एक मर्द से इंस्पायर? किसी भी भेद को उसके अंदर का सच खूबसूरत नहीं बनाता है, बल्कि वो राज उसे खूबसूरत बनाता है जो किसी के सामने नहीं आता। जब तुम किसी रेस्टोरेंट में जाती हो तो उसके किचन की तरफ से अंदर जाती हो, क्या जब तुम खाना खाकर बाहर निकलती हो तो ट्रैश के डब्बों को टटोलती हुई जाती हो? बोलो। मेरा ख्याल है कि इस किताब में कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो घड़ी नहीं जा सकती।
कौन सी ऐसी तफसीलात हैं जो ईजाद नहीं की जा सकती? क्या एक मुसन्निफ यही सब नहीं करता? अदब यानी लिटरेचर हकीकत को गलत मलत नहीं करता, बल्कि वो तो रियलिटी को मुश्तैल करके उसमें से नई रियलिटीज कशीद करता है, जिंदगी से सबकत ले जाता है। समझी मिस शबीर? इट्स कबीर। और जब भी मैं आपसे कोई जाती सवाल पूछती हूँ, आप बात बदल क्यों देती हैं? मुझे सिर्फ इंटेलिजेंट सवाल पसंद है। जस्ट डूइंग माय जॉब मिस सोफिया। तुम छोटे घरों में रहने वाले, छोटी सोच और छोटे जहन रखने वाले सहाफी सब एक ही किस्म के सवाल करते हो। क्या ये आपकी अपनी आप बीती है मिस सोफिया? क्या ये सब कुछ आपके अपने साथ तो पेश नहीं आया? तुम लोग अपने उस फजूल से अखबार में सनसनी के नाम पर एक ही बात बार 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 दोहरा कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैं रिपोर्ट नहीं करती, तख्लीक करती हूँ। क्या तुम होमर से पूछ सकती हो कि वो ओलंपस का पहाड़ अंदर से कैसा था सर? या वो तुम लोगों की वो जो बल्गर सी लाइन होती है, क्या आपका काम ऑटोबायोग्राफिकल है सर? तो आपके ख्याल में आपका मकाम होमर के बराबर है? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली वो सहाफी हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। राइट, फिर तो मैं आपका और वक्त जाया नहीं करूंगी मिस सोफिया। चलती हूं, मेरे करने के लिए यहां कुछ नहीं है। खुदा हाफिज। क्या हुआ? हम तो बहुत आम सी बातचीत कर रहे थे। असल में तुम मुझे उन नालायक सहाफियों से थोड़ी बेहतर लगी हो। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है अचानक? क्या मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे रही? जी दे रही हैं, मगर मुझे जलील करके। तुम्हारे कुछ सवालों का यही जवाब बनता है। आपके ख्याल में आप अपने इंटरव्यूअर से बेहतर हैं, बरतर हैं, और तुम्हारे ख्याल में तुम मुझसे ज्यादा अहम हो। बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं मुसन्निफ नहीं हूं मिस सोफिया। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक लाइन भी ऐसी नहीं लिखी जिसे लोगों ने याद रखने के काबिल समझा। लेकिन मैंने दूसरों को इज्जत जरूर दी है और हमेशा कोशिश की है कि खुद से किए जाने वाले सीधे सवाल का मैं सीधा ही जवाब दूं। वाहियात रवैया है। दुरुस्त। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। मैंने तुम्हें अपना इंटरव्यू लेने का इतना नादिर और नायाब मौका फराहम किया है और तुम हो कि अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर वापस चल पड़ी हो। इससे ज्यादा तुम मुझसे और क्या चाहती हो? सच्चाई। घबराओ नहीं, जनरेटर चल रहा है। क्या तुम सच बोलती हो मिस कबीर? मेरा मतलब है हमेशा। कोशिश जरूर करती हूं। मैं नहीं करती। देखिए मिस सोफिया,
मैं आपके काम के बारे में, आपकी कहानियों के बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब जानते हैं। यहाँ मैं आपसे मिलने आई थी, आपको बेहतर जानने आई थी। तुम्हें ये क्यों लगता है कि झूठ तुम्हें वो सब कुछ नहीं बता सकता जो सच बता सकता? क्योंकि वो सच होता है। For God's sake, तुम एक मुसन्निफ का इंटरव्यू करने आई हो जो झूठ लिखने के लिए मशहूर है और तुम उससे सच बुलवाना चाहती हो। ये तो ऐसे ही कि तुम किसी परफ्यूम्स की दुकान में जाओ और कहो कि वो एक लीटर मट्टी का तेल दे दें जरा। ठीक कह रही है, मेरी गलती थी, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। बट थैंक यू फॉर योर टाइम। रुको मिस कबीर, मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में गलत था। तुम उन अनरिलायबल सहाफियों की तरह नहीं हो। मेरा ख्याल था, छोड़ो, आओ आराम से बैठकर बातें करें। जो पूछना चाहती हो पूछो, I'm listening. All ears. कुछ पीने को दूं तुम्हें? एक नन्ना मुन्ना सा तमोरो का कप, यहां का खास कहवा है। इससे गला तो साफ होता ही है, दिमाग भी ठिकाने लग जाता है। जब लोगों ने मुझे आपकी गुस्सीली तबीयत के बारे में बताया था तो मुझे लगा था एग्जैजरेट कर रहे हैं। जो लोग मेरे बारे में बुरी और जिल्लत आमेज राय रखते हैं वही मेरी असल कदरों कीमत जानते हैं। जो लोग मेरी तारीफ करें उनका कभी यकीन मत करना। You just like being nasty, don't you? अच्छा होने से बहुत बेहतर है इंसान नास्टी हो जाए। आजकल ये खुश अखलाकी और बात बेबात मुस्कुराना एक फैशन सा बन गया है। लोग आपको आदम बेजार समझते हैं। कब से रह रही हैं आप इस दूरदराज पहाड़ी गांव में? 12 साल। बारह साल बेजार नहीं हो जाती? मैं अपने आप से कभी बेजार नहीं हूं। Must be exhausting living with a genius. Not as exhausting as living with idiots. मैं सतपारा में खुश हूँ। यहाँ 4 महीने बरसात और बहार का मौसम रहता है। बादल बड़े बड़े रुई के गालों की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं। फिर 8 महीने बर्फबारी होती है, हर चीज मुंजमद हो जाती है। बार बार मौसमों का बदलना मुझे बोर कर देता है। सिर्फ इतने अरसे तक लोगों को देखे बगैर कोई कैसे रह सकता है? इतने अरसे तक लोगों को रोजाना देख के कोई कैसे रह सकता है? आपकी किताबें पढ़कर तो लगता है कि लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ना होने के बावजूद भी आप उनके बारे में बहुत कुछ जानती हैं। इसलिए कि दुनिया में जानदारों की 2 बोरतरीन किस्में हैं, एक आदमी और एक कुत्ता। दोनों को जो काम दो बस 24 घंटे वही करते रहते हैं। बस। आपको क्या पसंद? बादल, बिल्लियां। बिल्लियां?
मुझे बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद नहीं हैं। वो तुम्हें देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था। एक नज़र में तुमको देखकर लगता है कि तुम एक बहुत ही साफ गो मगर जज्बाती औरत हो। लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करती थी और उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करती। ये बहादुर लोगों की सिफत होती है। तुम बहुत बहादुर हो इसलिए अपने आप के लिए भी खतरा हो। खुद से बच कर रहना। आपकी किताब के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? मोहब्बत के बारे में आपके क्या नजरियात हैं? कुछ बताना पसंद करेंगे हमें? हमें कौन? आपने पढ़ने वालों की बात करी। वो तमाम अहमक जो तुम्हारा रद्दी अखबार सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि उसमें रोटियां लपेट सके। मोहब्बत के बारे में आपके क्या नजरियात हैं? मुझे मोहब्बत से नफरत है। ये वो जज्बा है जिससे मैंने हमेशा बचने की कोशिश की और सच तो ये है कि ये भी मुझसे हमेशा बच निकलने की टो में रहता है। आपको कभी मोहब्बत हुई किसी से? हुई थी 18 साल की उम्र में जब मैं बाकी तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश कर रही थी। वही अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादों वाले शौक, सिगरेट, शराब, नए नए दोस्त, वही तमाम खराफात जो किसी को भी बालिग साबित करने के लिए ईजाद की गए। अब बहुत कम कर दी है, ना होने के बराबर। जी जी बिल्कुल, बस यूं ही कभी कोई अच्छी याद भुलाने के लिए या कभी कोई गम गलत करने के लिए, बस कभी कभी। मुझे ऐसी गरीबों जैसी मोहब्बत कभी नहीं हुई। किसी को आपसे मोहब्बत हुई कभी? हाँ, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, They desired me. मेरे लीडर्स का बस नहीं चलता था कि दुनिया की हर खूबी वाली किल्लत फाकरा मुझे पहना दे। मैं जब किसी बुक साइनिंग या लिटरेरी फेस्टिवल में जाती थी तो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई स्टार हूँ। अनगिनत मर्द अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते थे मुझको। और आपने क्या किया? कुछ नहीं, उनके जिस्म ले लिए और उनकी जिंदगियां उन्हें बख्श दी। बैक देन आई प्रिफर्ड मैरिड मैन। मैरिड मैन? उनकी बीवियों से डर नहीं लगा आपको? बीवियां अच्छी होती हैं, हसद में आकर कत्ल नहीं करती। ऐसे रंगीन मिजाज मर्दों की रग रग से वाकिफ होती हैं उनकी बीवियाँ, पहले से ही उनसे बेजार होती हैं और जल्दी सो जाने की आदी भी होती है।
तुम्हारा टेप रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा है। नहीं, काम कर रहा है। एक बार चेक कर लो। काम कर रहा है, इट्स फाइन। शिकस्ता रस्तों पे बच के हट के चलना हर बार आसान नहीं होता। आप ना चाहते हुए भी प्यार मोहब्बत के कायदे कानून सीखने में लग जाते हैं और इस आमियाना से जज्बे के पंजों से निकलना हर बार आसान नहीं होता। बड़ी जान लगानी पड़ती। आप मोहब्बत को आमियाना कैसे कह सकती हैं? मोहब्बत सेक्स की बिगड़ी हुई शक्ल है, एक मतबादल रास्ता, एक गलती। मोहब्बत उन लोगों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है जो जिस्मानी कुर्बतों से बेजार हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपने जिंदगी में मोहब्बत से तो गुरेज किया मगर जिस्मानी आसुदगी हासिल करती रही? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। यहाँ इस दूरदराज पहाड़ी गांव में फरेब की बुआ आ रही है मुझे इस बात से। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ दरख्तों के पत्ते और पहाड़ों की घास खाती हूँ? ब्रेड, कॉफी, चॉकलेट, स्टेक सब डिलीवर होता है यहाँ। मैं जिस कश्ती में यहाँ आई थी उस कश्ती वाले ने मुझे बताया था आपके स्पेशल गेस्ट के बारे में, और ये भी कि वो आपको एक बहुत खास नाम से पुकारते हैं। क्या आप नहीं जानती? नहीं, क्या बताओ। क्या रहने दीजिए, वो कोई खास अच्छा नाम नहीं है। मुझे बुरी चीजें तो पसंद है। क्या क्या नाम बताओ? सतपारा की मक्कार डायन। अगर मुझे लोगों को बताना होता तो यकीनन पूरा नाम लिखती। क्या ये वही साहब है जिनके साथ ये सारी खत किताबत की गई है? ये एक ख्याली दास्तान है। मुझे क्यों इस बात पे यकीन नहीं होता? मेरी भला अगर आपको किसी बात की परवाह ही नहीं है तो आपने मुझे यहाँ आने ही क्यों दिया? ऐसा क्यों लगता है जैसे आप बहुत तकलीफ में हैं? अपनी खुश अखलाकी को मुझसे दूर रखो। तुम्हारी तफ्तीश और तजस्सुम से मेरा दम घुट। आई नीड सम फ्रेश एयर। जाओ, यू मे लीव नाउ।
रिकॉर्ड लगाने की इजाजत दी। मेरा फेवरेट रिकॉर्ड है और शायद आपका भी। आप सबके सामने ऐसे जाहिर करती हैं जैसे आपको किसी से मोहब्बत नहीं है, मगर ये सब दिखावा है ना? मैं जानती हूँ आप अपना सारा पैसा कहाँ खर्च करती हैं मिस सोफिया। मैं अपना पैसा ज़खीरा करती हूँ, ढेरियाँ बना बना कर जमा करती हूँ, ढेर सारी ढेरियाँ, क्योंकि मैं एक मक्कार दाइन झूठ। आप अपना सारा पैसा एक मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को देती हैं। ये झूठ है। ये झूठ है। हाय, फाइन मिस सोफिया, और इससे तुमने क्या नतीजा किया कि मैं बहुत अच्छी निशानेबाज हूं या बहुत बुरी? बहुत कुछ पीने को दूं तुम्हें? नन्ना मुन्ना कमोरो विथ माय स्पेशल इंग्रेडिएंट। से गला तो साफ है, दिमाग भी ठिकाने नहीं चाहता, सही समय सोचने लगता है। Are you kidding me? किसी के ऊपर गोली चलाने के 2 मिनट के बाद आप उसे तमोरा का कब ऑफर करती है?
चाहती क्या है? आप मुझे मना कर सकती थी ना, जैसे आप बाकी सारी जर्नलिस्ट को मना कर देती हैं, लेकिन नहीं, आपने मुझे यहाँ आने दिया और आके यूं तो इंटरव्यू दिए बगैर जाने की नहीं कह रही है, और जब जा रही हूँ तो आप मुझे जाने भी नहीं दे रही है। आप मुझे चाहती क्या है? तुम यहाँ किस लिए? और तुम्हें कैसे कि मैं अपने पैसे के साथ क्या करती हूँ? Oh, for heaven's sake, I'm a journalist. रिसर्च की है मैंने आपके बारे में यहाँ आने से पहले। आप अपना सारा पैसा एक मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को देती हैं। इतना पैसा कि कोई और अगर इतना अतिया करता हो तो सारे शहर में अपने पोस्टर लगवा देगा, लेकिन आपकी बात छुपाती है। क्यों? ये सब मैं एक खौफ की वजह से। और इस धोखेबाजी का क्या मकसद? तुम शायद पहली जर्नलिस्ट हो जो अपना टेप रिकॉर्डर बगैर किसी बैटरी या प्लग के इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हें शायद याद हो, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी पूछा कि क्या ये काम कर रहा है, और तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि हाँ ये काम कर रहा है। ये यहाँ आते हुए मेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। प्लीज आई एम सो सॉरी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी आवाज बहुत अच्छी है। झूठ बोलने वालों के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प होती है मिस सोफिया। बहुत ज्यादा देर सच को अपने अंदर रख नहीं सकते, सब कुछ उगल देते हैं। मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। फिर तो तुम्हारा इंतजार खासा लंबा हो सकता है। अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम तो करके आई हो ना? मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी चीनी मिलेगी? ये बहुत कड़वा है मेरे टेस्ट के लिए। ये यहाँ का बहुत खास कहवा है। अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? यकीनन हो। ना सिर्फ शादीशुदा हो बल्कि अपने शौहर की मोहब्बत में मुब्तला भी हो। कम से कम तुम ये सोचती हो कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो। और आप ये सब कह सकती हैं क्योंकि तुम जैसे
मिडिल क्लास लोगों से ऐसी ही बातों की तवक्को की जा सकती है। मिडिल क्लास घरों की मिडिल क्लास बातें, वो कॉर्नर्स के नीचे पड़े हुए स्लिपर्स, छुट्टी वाले दिन कहीं खड़े होकर चाट दही भले और आइसक्रीम खा लेना, सस्ती आउटिंग्स, वो कपड़ों वाली अलमारी में खुशबू वाले साबुन के खाली रैपर रखना, इन मामूली और छोटी खुशियों के अलावा तुम किसी बड़ी खुशी का रिस्क ले भी नहीं सकती। बड़ा तीर मार लेती होगी तो दूसरों को खुश कर लेती होगी। तुम लोगों की हर चीज और हर खुशी बहुत ही मामूली, फरसूदा और डिप्रेसिंग होती है। और आप लोगों को अपने पास इसलिए रुकने पर मजबूर करती हैं ताकि आप उन्हें उनकी नजरों में गिरा सकें। इंटरेस्टिंग, क्या ये जरूरी है कि तुम दुनिया को एक एग्नी आंट की तरह ही देखो? मेरा ख्याल है अब वक्त आ ही गया है कि आप मुझे बता दें कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। हाँ, हमने चूहे बिल्ली के खेल में काफी टाइम जाया कर दिया। अग्री। ओके। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम यजमान में वहीं रहती हो ना तुम? तो मैं जानना चाहूंगी कि आजकल वहां क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और वो यहां से 1200 नहीं बल्कि 1280 किलोमीटर के फासले पर। तो आप मेरे शहर को जानती हैं? नहीं, मैं वहां कभी गई तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुन बहुत कुछ रखा है उसके बारे में। बड़ा तफसील से सुन रखा है, यहाँ तक कि उसका यहाँ से वहाँ तक का एग्जैक्ट ज़मीनी फासला 1280 किलोमीटर भी जानती हैं आप? वैसे आपने अपनी किताब में जिस शहर का जिक्र किया है वो भी बिल्कुल यजमान जैसा ही है। हालांकि आपने अपनी किताब में उसे कोई और नाम दिया हुआ है, लेकिन जब मिकाइल खान रेतीली ईंटों वाली गलियों का जिक्र करता है या चांदनी रातों में अपनी महबूबा के हाथ में हार डालकर महलात के बागात में सैर करने की बात करता है या किले की 100 फुट ऊंची फसील से जब वो रेगिस्तान की लामहदूद वसतों को देखने की बात करता है तो वो यजमान ही का जिक्र करता है। अजीब इत्तफाक है। और वो सुहानरा की सफारी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहां आप दोनों हाथ में हाथ डाले मुश्की हिरण ढूंढने पहुंचा करते थे, वो भी तो यजमान के करीब ही है। जितनी तफसील से आपने उस शहर के बारे में लिखा है उससे तो लगता है आप वहीं की रहने वाली हैं। अब यकीन आया तुम्हें कि हम मुसन्निफों का बसरी तखयल किस कदर जानदार होता है? लेकिन शायद तुम अकेली ही रहायशी हो जिसे ये मुमासलत नजर आए। नहीं, ये जरूरी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वहां आपके पढ़ने वाले ही कम हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुमने वहाँ किसी से मेरी किताब का जिक्र किया? मेरा मतलब है ये अजमान में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अरे
लेकिन वहाँ कोई है जो आपकी किताबें बहुत शौक से पढ़ता है? बहैसियत मुसन्निफ बहुत पसंद करते हैं वो आपको। पता नहीं कैसे मैं उनका ही जिक्र करना भूल गई। कौन? हमारी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन हैं। वैसे तो वो 70 साल के हैं लेकिन आपके बहुत दीवाने हैं। मुझे कुछ याद आ रहा है, कई साल पहले 2 खत आए थे यजमान से। ढेरों खतों के अंबार में वो 2 खत इसलिए याद रह गए क्योंकि वही 2 खत आए थे यजमान से, किसी आदमी ने लिखे थे। वो शायद यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाता था। नहीं, वो रहता वो यजमान में था और पढ़ाता भावलपुर यूनिवर्सिटी में था। लिटरेचर का प्रोफेसर, टॉल एंड हैंडसम टाइप? हाँ, मुझे कैसे पता होगा, वो तो उसकी लिखाई में इतना ठहराव, इतनी खूबसूरती थी कि भला सा नाम था उसका। गौहर हयात? हाँ, गौहर हयात। तुम जानती हो उसे? हाँ, एक ही तो यूनिवर्सिटी है हमारे इलाके में। तो आजकल कहाँ है वो, क्या कर रहा है? मेरा मतलब है, बहुत दिनों से उसने मुझे खत नहीं लिखा। तो आपने मुझे 1280 किलोमीटर का सफर तय करवा के यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप मुझसे गौहर हयात के बारे में मालूम कर सके? नहीं, वो तो ऐसे ही उसका जिक्र छिड़ गया इसलिए पूछ रही थी। तो तुमने कभी मेरे बारे में जिक्र किया उससे? मेरा मतलब है मेरे काम के बारे में। नहीं, हमने आपके या आपके काम के बारे में तो कभी कोई बात नहीं की। यकीनन नहीं की होगी, करोगी भी क्यों? क्यों करेंगे? लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आपने अपनी किताब भी किसी GH को डेडिकेट की है, गौहर हयात को। कुछ ज्यादा ही खुश दिली से हंस रही हैं आप। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी किताब अपने किसी परस्तार के नाम करूंगी, वो भी किसी यूनिवर्सिटी टीचर के नाम, जिसने सिर्फ मुझे एक बार खत लिखा सिर्फ ये बताने के लिए कि उसे मेरा काम बहुत पसंद। अगर इसी तरह मैं अपने सारे परस्तारों के नाम अपनी किताबें करने लगी तो मुझे तो दिन में 20-20 किताबें लिखनी पड़ेंगी। इतनी सी बात का इतना लंबा जवाब? खैर छोड़िए, ये बताइए कि ये GH गौहर हयात है या नहीं? अगर तुम्हें GH की हकीकत जानकर कोई खुशी मिल सकती है तो मैं तुम्हें बता दूं, GH मेरे पहले पब्लिशर गफूर हैदर साहब के नाम का मुखफ्फ है।
अब वो इंतकाल कर चुके हैं और मेरा एक नया पब्लिशर है, तो उसे नाराज ना करने के लिए मैंने गफूर साहब के नाम के इनिशियल्स लिख दिए। आई सी। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर चुकी हूं कि सच हमेशा मायूस कर देता है। जी, मुझे आगाह किया था आपने। ठीक है मिस सोफिया, आपका कीमती वक्त और जाया नहीं करूंगी मैं। इस इंटरव्यू का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही इसे लिखकर अपने एडिटर को भिजवा दूंगी। क्या कह रही हो तुम? इंटरव्यू तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैंने आपसे यजमान के बारे में बात की, आपने बहुत पुरमगज गुफ्तगु की। जो मवाद मेरे पास है वो मेरे लिए काफी होगा। शुक्रिया। क्या मतलब, कैसा मवाद? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। देखिए मिस सोफिया, आप जैसी कदावर शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए हमारे छोटे से अखबार का छोटा सा आर्ट सेक्शन बहुत ही छोटा है, और वो भी बुध के बुध छपता है, और उसमें भी मुझे दो कॉलम से ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद तो है नहीं। इसलिए जितना मवाद मेरे पास है वो मेरे लिए काफी होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मिस कबीर, रुको। एक कमाल फन अवार्ड याफ्ता राइटर तुम्हें इंटरव्यू का टाइम दे चुकी है। तुम्हारी एडिटर को कुछ अंदाजा है कि मेरे स्टैचर की मुसन्निफ उस जैसे छोटे और मामूली अखबार को इंटरव्यू दे रही है? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मिस सोफिया, अगर मैं खुलकर आपसे बात कर सकूं तो हमारे अखबार के आर्ट सेक्शन में ज़्यादा जगह पाने के लिए इस इंटरव्यू में कोई एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, हमारे लोकल रीडर के लिए कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। किस किस्म की दिलचस्पी? मसलन ये कि आप कुछ अरसे यजमान में रहीं, वहाँ आपको आपकी मोहब्बत मिल गई और आपने वहां आशिक और माशूक के तौर पे कुछ वक्त गुजारा वगैरह वगैरह, इसमें हमारे लोकल रीडर को दिलचस्पी हो सकती है। वरना तो आपको हमारे आर्ट सेक्शन में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के लिए मुख्तस जगह ही मिलेगी और वो बहुत ज्यादा नहीं है। व्हाट अ शेम, तुम इतनी दूर से आई हो, खाली आ जाओगी। अगर तुम्हें अपने इंटरव्यू को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। एक सनसनी खेज कशा। Really? And why would you do me that favor? It's not a favor. It's a swap. तुम्हें मेरा एक खत खुद जाकर किसी को पहुंचा कर आना। Please, Miss Sophia. अब आप मुझे अपनी अलिफ लैला की झूठी कहानियां मत सुनाइए, please. मुझे झूठ पसंद है। तो फिर मैं आपके सच को कैसे पहचानूंगी? उसकी तेजी, उसकी बदसूरती और उसके नाशायस्तापन से। झूठ तो एक नफीस, नाजुक और आर्टिस्टिक चीज होती है। दुनिया को वैसा दिखाती है जैसे दुनिया को होना चाहिए।
राइट ठीक है कहिए सुन रही हूं मेरी किताब का हीरो मिकाइल खान वो आदमी है जिससे मैंने मोहब्बत की और वो तुम्हारे ही शहर का रहने वाला है गौहर हयात हम 15 साल पहले मिले थे कदीम उर्दू अदब पर एक कॉन्फ्रेंस थी मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी और वो नया नया लेक्चरर बना था पूरे एतमाद टॉल एंड हैंडसम टाइप ही इज हाफ फ्रेंच फ्रॉम हिज मदर्स साइड एंड ही लव्स उर्दू मैं उसके चेहरे पर से नजरें नहीं हटा पाती उसके चेहरे पर हमेशा जज्बात का एक सैलाब रवा रहता उसकी नजरें मुझे अपने वजूद में उतरती महसूस उसकी मुस्कुराहट का लम्स मुझे अपने होठों पर महसूस होता था उसके हाथ मुझे अपना वजूद टटोलते हुए नजर आते मैं पागल हो गई शिद्दती जज्बात से मुझे मतली होने लगी थी फिर एक दिन मैंने उसे डिनर की दावत दी थी जो उसने फौरन कबूल कर ली बहुत एहतमाम से तैयार हुई जब आधी रात को वो मुझे मेरे होटल छोड़ने आया तो मैंने उसे कॉफी के लिए अंदर बुला लिया वो भी फौरन मान गया हम दोनों पास पास बैठ गए और हमने ढेर सारी बातें की पहल किसने की ये तो मालूम नहीं लेकिन जब हमें होश आया तो हम दोनों एक दूसरे के बाजुओं में बेखबर सो रहे थे हमारी आंखें एक नई सुबह की किरणों से मैं जब उसके पास होती थी तो 5 साल की भी बन जाती 13 साल की भी और 20 साल की एक 30 साल औरत ने अपना बचपन लड़कपन जवानी सब जिया उसके साथ वो मुझे जितनी इश्क से मामूर नजरों से देखता था मैं वैसी बन जाती थी वो मुझे इस कदर चाहने लगा था कि खुद मुझे भी अपने आप से मोहब्बत हो हमने वही यूनिवर्सिटी के पास एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया 5 महीने हम वहीं रहे तो शादी क्यों नहीं की आपने उनसे शादी और मैं ताकि कोई हर वक्त मेरी राइटिंग टेबल पर मंडलाता रहे नहीं मैं शादी पर थोड़े अरसे के पागलपन को तरजीह देती हूं तो फिर अलग क्यों हो गई उनसे ऐसे अचानक उन्हें छोड़ क्यों दिया खुशी रास नहीं आई आपको या आपको डर था क्या आपके जज्बात बतदरीज खत्म हो जाएंगे जाहिर है ये तो ऐसे ही है कि हम चाहें कि हमें हमेशा बुखार चढ़ा रहे ये जुदाई मैंने जबरन लागू की थी
ताकि हमारी मोहब्बत और भी मजबूत हो सके। कैसे? ये क्या बात हुई? बहुत लंबे अरसे साथ रहने से जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमेशा इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि एक ना एक दिन तो आपको जुदा होना ही है। मैं जब उसके पास होती थी तो अपने आप को और भी तनाव महसूस करती थी। हमने तो बाहर जाना ही छोड़ दिया था। वो 5 महीने हमने एक दूसरे के बाजुओं में गुजारे। एक लम्हे के लिए भी जुदा होते तो ऐसा लगता जैसे किसी ने हमारे हाथ पांव काट दिए। मैं उसे छू ना पाती तो तैश में चिल्लाने लगती, दीवारों पर मुक्के मारने लगती। उसके साथ रहते हुए मैंने हर उस जज्बे को जाना जो मोहब्बत में दुख देता है। कभी तुमने अपने महबूब को छूते हुए किसी मुमकिन बेरहमी को महसूस किया है? किसी पोशीदा पंजे की तरह जो अचानक दबोच कर अलग करते तुम्हें तुम्हारे महबूब से? मैं चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखती हूँ। कुछ नहीं देखती ना, मैं लिख पा रही थी ना सोच पा रही थी। ये मोहब्बत नहीं, गुलामी थी। मेरी जरूरत मेरी मजबूरी बन गया था। इसलिए आपने गौर की कुर्बानी दी थी क्या? अपने काम के लिए आपने गौर को कुर्बान कर दिया, मार दिया उसे? नहीं, बल्कि ऐसा करके हमने अपनी मोहब्बत को और भी मजबूत और भी खालिस बना लिया। तो आपका मिसाली महबूब वो है जो आपके पास ना हो? जैसे ही गौहर और मैं एक दूसरे से अलग हुए, हमारा ताल्लुक एक नई सम्त पे मुड़ गया। जब हम एक दूसरे को खत लिखते थे तो हम आर्ट, फलसफे, लिटरेचर की बातें करते। वो मेरा बेहतरीन नकाद था। मेरे तारीक जज्बाती लम्हों में फिर से खुद पर एतमाद करने की रोशनी दिखाता था। तो फिर तो वो बहुत काम के आदमी थे ना। सहाफी साहबा, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। तुम्हें एक खास किस्म का इंटरव्यू चाहिए था जो मैं तुम्हें दे रही हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, ना कि जज्बाती है जान का शिकार। गौहर और मैं एक दूसरे के एहसान मंद हैं कि हम इन बेकार और मामूली जज्बों से बहुत ऊपर आ गए। अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझ पर एक एहसान करो और ये मेरा खत जाकर गौहर को दे आओ, और उससे कहना कि ऊंची आवाज में पढ़े। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस मेरा ये काम कर दो। आप तो जानती भी नहीं है कि गौहर कौन है। वो कौन है कौन नहीं है इसकी तुम्हें इतनी क्यों फिक्र है? आप तो गौहर से मोहब्बत करती ही नहीं है। आप तो अपने दुख से अपने गैर कुदरती रिश्ते से मोहब्बत करती हैं, जुदाई के उस गम से मोहब्बत करती हैं जो सरासर आपकी अपनी तख्लीक है। इसीलिए आपने अपने पढ़ने वालों को ये मालूम नहीं होने दिया ना कि आपकी इस किताब की कहानी असल जिंदगी से उठाई गई है। कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि सोफिया नूर, अजीम सोफिया नूर कुछ भी नहीं है सिवाय एक मामूली सी औरत के जो 15 साल से रोजाना सिर्फ एक खत का इंतजार करती है। खुश हवास में रहो। नहीं छोड़ना चाहिए था आपको उन्हें। कत्ल कर दिया आपने गौहर को। तुम इस मसले को क्यों बार बार उभार रही हो? गौहर और मेरे दरमियान जो भी मोहब्बत, कुर्बत और जुदाई थी बहुत मजबूत थी। इसमें कुर्बानी का तासुर गलत। ये हमारा मुश्तरका फैसला था। वो मोहब्बत करते थे आपसे,
आपकी बात मानने पर मजबूर थे वो। उस वक्त वहां दो लोग थे जो सोफिया नूर की ख्वाहिश का मान रखने में लग गए, एक वो और एक आप। लगता है यजमान के लोगों को एक दूसरे का बहुत एहसास है। अपने शहर के एक आदमी के लिए ना ख्या इतनी तश्वीश। क्या तुम गौहर को बहुत अच्छी तरह जानती हो? जी बहुत अच्छी तरह। वो मेरे शौहर हैं। कुछ पीने को दूं आपको? एक नन्ना मुन्ना तमोरो का कप विथ योर स्पेशल इंग्रेडिएंट। गला भी साफ करता है और अक्ल भी ठिकाने लगा देता है। चुप बोल रही हूं। और ये बेसरूपा कहानी तुमने इसलिए घड़ी है ताकि तुम मुझे तह तरा सको, साबित करो अभी के अभी साबित। Prove it. हमारी शादी की तस्वीर देखना पसंद करेंगे आप? जब से हम जुदा हुए हैं ये पहली बार मैं इसे देख रही हूं। और ये कि तुम हो साथ दुल्हन बनी हुई, कितनी वाहियात लग रही हो, कितना भद्दा मेकअप किया हुआ है तुमने। और ये कमीज और ये दुपट्टा क्या स्टेपल किया हुआ है? सिलवाया नहीं था तुमने, किराए पर लिया था। गौर के सर पे क्या फ्लाइंग सॉसर रखा है? ये तो खुला है। ये मजाक है। लोग जरूर किसी फैंसी ड्रेस के लिए तैयार हुए। अच्छी कोशिश थी मुझे बेवकूफ बनाने की, मगर बेकार। मुझे यकीन है तुम गौर से मिली होगी, उसे जानती होगी। मुझे मालूम है कि गौर पिछले 15 साल से अकेला रहता है। वो शादीशुदा नहीं है, तुमसे ना किसी और से। हमारा निकाह नामा सात अप्रैल 12 साल पहले
हमारे कोई बच्चे भी हैं। क्या ढूंढ रही हैं? क्या ढूंढ रही हैं सोफिया? ये देख रही हूं कि 12 साल पहले 7 अप्रैल को उसने मुझे क्या लिखा था? को कोई खत नहीं, मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं लिखा। 8 अप्रैल मेरी जान, मैं इस वक्त तुलू होते हुए सूरज को देख रहा हूं और मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा है और मैंने ये सोचा कि तुम इस वक्त इसी जमीन पर इसी सूरज को देख रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। ये लो, नए नवेले दुल्हे की मोहब्बत का गीत सुन लो जरा। मैं उस दिन क्या कर रही थी? शायद मैं बीमार थी। तो तुम शुरू से सब कुछ जानती थी। जी, वरना आपसे मिलने यहां क्यों आती? उसने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्या जानती हैं आप गौहर के बारे में? आप तो उनके साथ सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप रख के मुतमईन हो गई थी। कितना अरसा? हाँ, 5 महीने। और फिर आपने छोड़ दिया उन्हें। आप दोनों एक हकीकी जोड़े की तरह तो कभी भी नहीं रहे। आप तो वो मरहला आने से पहले ही भाग खड़ी हुई। तुम इतनी शिकवे क्यों कर? अगर मैं ना भागती तो तुम्हें मेरा छोड़ा हुआ मर्द कैसे मिलता? मोहब्बत में मुब्तला होकर हमेशा किसी के साथ रहना ही दरअसल उसे चाहना है सोफिया। ना आपकी तरह तो कोई भी कर सकता है। तुम अपने मिडिल क्लास और घरेलू ताल्लुक का मवाजना किसी भी तौर पर मेरे और गौहर के 15 साल ताल्लुक से कर सकते। उसे मुझे अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए था। शायद वो आपको ये दुख नहीं देना चाहते थे कि आपकी जगह भी कोई ले सकता है। शायद वो आपको इस अजियत से बचाना चाहते थे कि अजीम सोफिया नूर के बाद भी उनकी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। इसे आपका ये ख्याल कितना मिडिल क्लास है सोफिया कि उन्हें आपके बाद एक तन्हा रंडवे जैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए थी? गुजारनी चाहिए, बिल्कुल गुजारनी चाहिए थी।
बिल्कुल गुजारनी चाहिए थी। हमारा ताल्लुक आसमानी बिजली की तरह था, जो जब गिरती है तो सिर्फ राख रह जाती है और कुछ नहीं बचता। आपकी राख में तो बहुत सी चिंगारियां बाकी हैं अभी। क्यों? आपके वो स्पेशल गेस्ट्स, वो सब स्ट्रगलिंग राइटर्स जिन्हें स्पेशल फेवर्स देती हैं आप। तुम दो बिल्कुल अलग अलग मामलात को उलझा रहे हो। उनमें से कोई भी गौहर का मतबादल नहीं था। उन्हें मेरी कॉन्टैक्ट्स और गाइडेंस की जरूरत थी, और जाहिर है इसके एवज उनके पास और देने को कुछ नहीं था। मैं अब भी एक भरपूर औरत हूं, और गौहर को एक भरपूर जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं था। और उस भरपूर जिंदगी को गुजारने के लिए उसने तुम्हें चुना। तुम जैसी औरत उसकी क्या जरूरत पूरी कर सकती? गौहर इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। हम बहुत कम करीब आते हैं, ये उनका अपना फैसला है। बहुत खूब, यानी गौहर ने तुम्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बता दिया कि बिस्तर में जो सबसे अच्छा काम तुम कर सकती हो वो है सोना। अब मुझे समझ में आ रहा है आपकी शख्सियत के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा झूठ और फरेब पर मबनी है। आपका ये तकब्बुर और ये तुर्श रवैया, इट्स ऑल अ बिग लाई। चली जाओ यहां से, इन्हीं फजूल और फरसूदा बातों से बचने के लिए मैं दूर दराज पहाड़ी गांव में रहती हूं। जी नहीं, मैं अब रुकना चाहूंगी यहां। शौहर, एक बीवी और एक धोखा खाई हुई महबूबा, ना तकिया नूसी लव ट्रायंगल। तुम्हारे बैग में रिवॉल्वर भी होगा शायद। बेचारी गरीब लड़की, कितना अरसा हुआ है तुम्हारी शादी को? 12 साल सोफिया, 12 साल। ये मोहब्बत नहीं है, रोजमर्रा जिंदगी की बेजारी है। जिंदगी की रूटीन फासलों को कम नहीं करती है, बल्कि वो तो ऐसी दीवारें खड़ी कर देती है, अनदेखी शीशे की दीवारें, जिनके पार आप अपने महबूब को देख तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। ये रूटीन ही तो जिंदगी का असल टेक्सचर है, हर रोज एक नया पहलू दिखाता है, इवॉल्व होता है। यह आपके फिक्शन की तरह एक पर्सपेक्टिव तक महदूद नहीं रहता। मेरा और गौहर का ताल्लुक एक हकीकत है। हम एक दूसरे के ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो पास पास होते हैं, एक ही तकिए पर सर जोड़े साथ साथ।
हम मुतमईन हैं या मायूस, ये जुआ खेलने की जुरत की है हमने। आप में इतनी जुरत कभी नहीं थी कि आप शादी करती। यहाँ जुरत से तुम्हारी मुराद बुजदिली है। ना ना ना, जुरत ही है, एतमाद करने की जुरत, आगे बढ़ने की जुरत। सच्ची चाहत अपनी हुदूद जानने का नाम है सोफिया। और आपने एक मुखलिस साथी को खुद से सिर्फ इसलिए दूर रखा कि कहीं आपको अपनी हुदूद का सामना ना करना पड़ जाए। बिल्कुल, और यही हुदूद तुमने एक गौहर पर भी लागू कर दी, जिसकी वजह से उसने मुझे खत लिखना बंद कर दिया। तुमने मेरी किताब पढ़ी, तुम्हें हमारे ताल्लुक के बारे में पता चला, तुमने खूब हंगामा किया और जाहिलों की तरह उस पर पाबंदियां लगा दी। आपका जो दो चाहे आप सोचें। हाँ, यही हुआ होगा, तुमने उसे खूब धमकाया होगा, रुलाया होगा। मैं जानती हूं गौर को, वो झगड़े फसाद और तशद्दुद से शदीद नफरत करता है। वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता होगा, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अगर उसने मुझे छोड़ ही दिया था तो बता तो देता। उसके आखिरी खतों को भी तुमने पकड़ा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आपको उनके खत अब इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। जो पिछले 4 महीने से मैं उसे खत लिख रही हूं, वो हमजादी, इन्हें तो खोला भी नहीं गया। तो पढ़ लेती इन्हें। इनसे क्या पर पड़ जाना था, तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, पर तुमने अपनी टांग बीच में क्यों उड़ाई? गौर और मैं इन्हीं खतों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जीते रहते। तुम अपनी गलाजत भरी नाक बीच में ना लाती तो हम आज भी साथ होते। आपने ये खत क्यों छापे सोफिया, क्यों? एक दिन अचानक आपके दिल में एक तरंग आई और आपने अपना 15 साल ताल्लुक इस तरह सबके सामने खोल कर रख दिया। उनका नाम बदलने से तो कुछ नहीं बदला, आपने सब कुछ आम कर दिया। किस कदर फोहश हरकत की है आपने, और किस लिए? एक किताब लिखने की खातिर, कुछ रुपए कमाने की खातिर? मेरी कुछ वजूहत थी। रियली? Really? और ये खत, ये किताब, ये सब मेरा साथी मामला है। और जाहिर है गौहर का भी। और ये तमाम वजूहात मैंने इस खत में, आखिरी खत में लिख दी है, और जो तुमने जाकर गौर को देना है। दीजिए दीजिए मुझे ये खत। ये इसे मत खोलो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अपने हर दिन हर लम्हे की कहानी सुनाता था मुझे। तुम तो जिक्रन भी नहीं आई उन खतों में। सच कहते हैं आपसे, जहनी तौर पर जो वक्त वो आपके साथ गुजारते हैं वो सिर्फ उसी के बारे में लिखते हैं। जब हम साथ होते हैं तो हम अपनी बातें करते हैं। उनके 2 सच हैं सोफिया, एक आप और एक मैं।
तुम्हारा मतलब है तो झूठ। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे इस कमरे से एक बहुत मखसूस महक आई थी। वो इस कमरे का हिस्सा है शायद। यकीनन तुम इस महक से भी अपना कोई ताल्लुक निकाल लोगी। ये हिरन की नाफ, ये मुश्किल नाफा आपको गौर नहीं दी थी ना? गौर नहीं दी होगी। मुश्किल हिरन एक खुशबू की तलाश में मीलों सफर करता है, मगर उसे उसका कभी कोई सुराग नहीं मिलता। ये खुशबू उसकी हम सफर भी होती है और मंजिल भी, लेकिन वो इसे कभी पा नहीं सकता। और आखिरकार ये खुशबू मिलती है तो उस जालिम शिकारी को, जो उसकी असल कद्र कीमत जान, और बेचारा हिरन ये जाने बगैर ही मर जाता है कि ये खुशबू असल में उसकी अपनी थी। ये हिस्सा तो मैंने किताब में नहीं डाला था, तुम्हें कैसे पता चला? गौहर ने कहा था मुझसे जब हमने शादी का फैसला किया, मुझे ये गुमान था कि उसकी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, असल मुश्किल नाफा बहुत कम लोगों ने देखा होता है। मस्क पॉट्स बहुत से परफ्यूम्स में इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी अपनी खुशबू बहुत तेज होती है, नाकाबिले बर्दाश्त। गौहर की मुस्कुराहट की तरह मुश्किनाफा हिरन के पेट के अंदर होता है, उसे निकालने के लिए उसे मारना पड़ता है। मार तो दिया आपने उन्हें, देखो सुबह हमने एक दूसरे से जो कुछ भी कहना सुनना था अब हम कह चुके। तुम्हारे मुताबिक गौहर पिछले 12 साल से शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। अब तो मैं उसकी बीवी से भी मिल चुकी हूं,
और यकीनन इसीलिए उसने मुझे खत लिखना बंद कर दिए। अब हमें खुली आंखों से इस ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए। जब मैंने तुमसे कहा था कि ये एक तखयुलाती नॉवल है तो यकीन करो मैं अपनी सोच से बढ़कर सच बोल रही थी। मेरी किताब का हीरो मेरा तखयुल है, मैं इसका कोई हकीकी वजूद नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तखयुलाती नॉवल है जिसका खुद मुझे भी इल्म नहीं हुआ। नहीं सोफिया, ये सब कहकर आप गौहर के साथ मजीद से आती कर रही हैं। बारह साल से वो मुझसे झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। यानी हकीकी मुसन्निफ तो वही है। क्या तखय्युल पाया है मेरे मुताबिक उसकी हर सोच का हर ख्याल सिर्फ मेरे लिए था। और इस दौरान वो तुम्हारे साथ तुम्हारे तकिए पर सर रखे सो रहा था। सोफिया, ये बहुत जालिमाना ख्याल है। दस्ते तक खंजर खोप दिया मेरी कमर में। मेरा बेहतरीन नकाद, मेरी हर बात सुनने वाला, और मैं उसके हर बेरहम और मुनाफिकाना जज्बे पर यकीन करती रही जैसे एक बेटी अपने बाप पर यकीन करती है। सोफिया प्लीज कम डाउन। सारी दुनिया छोड़कर एक अकेले आदमी तक महदूद कर लिया मैंने अपने आप को। हमारा इश्क रोजमर्रा में जायल ना हो जाए तो उसके साथ रहना तक छोड़ दिया मैंने। उसकी याद, उसके ख्याल की इस चार दीवारी में सालों से रह रही हूं। घर जाओ और बता दो उसको कि अब मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। मैं अपनी हर बात वापस लेती हूं। ना सारा वक्त, सारा ख्याल, सारी सोचें सब वापस लेती। वो तमाम राज जो मैंने उसे बताए, वो तमाम जज्बात जो सिर्फ उसके लिए थे, अब मैं दस्तबरदार होती हूं। एक चीज पर कायम कि हां मैंने उन खतों को छाप दिया, आम कर दिया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि दुनिया के सारे कुत्ते के बच्चों की तरह वो भी एक बहुत अच्छा मुसन्निफ है। बता दे। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बताओगी। और अब तो मैं इस किताब से भी दस्तबरदार होती हूं। ये भी मेरी नहीं है, ये भी उसी की। उसकी रॉयल्टी भी वही रख सकता है। उसे बताना कि जो मजेदार चकमा उसने मुझे दिया था और जो उसके लिए खेल था, शायद उससे उसकी खूब कमाई होगी। उसे कहना मेरी तरफ से भाड़ में जाए और मर जाए। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बताओगी
एक बहुत अच्छी और फर्मा बरदार बीवी की तरह उसकी गोद में लेट कर तुमसे बताऊंगी, क्योंकि जब तुम घर जाओगी तो वो तजस्सुस से मर रहा होगा इस मुलाकात का हाल जानने के लिए, और अंदर से खुश हो रहा होगा मेरी बदतरीन ख्वाहिशात और बददुआएं उस तक पहुंचा देना। खुदा वो दिन जल्दी लाए जब उसकी हर याद मेरे दिमाग से मिट जाए और उसका दिया हमेशा के लिए। नहीं सोफिया, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बताओगी, तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? तुम बताओगी उसे, क्यों नहीं बताओगी? हाँ क्यों नहीं बताओगी तुम उसे? कि वो मर चुका है। सोफिया, कौन मर चुका है सोफिया? जब डॉक्टर ने उन्हें उनके ट्यूमर के बारे में बताया था तो गुस्से से पागल हो गए थे वो। लड़ने का फैसला किया था उन्होंने। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उनके पास चंद महीने ही हैं तो से अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था उन्होंने। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे किसी शरारती बच्चे की तरह मेरी तरफ देख के मुस्कुराते रहते थे। फिर एक दिन कहने लगे, मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहता। डॉक्टर की इजाजत से हम उन्हें घर ले गए थे। मेरा घर ही अस्पताल बन गया और मैं उनकी स्टाफ नर्स। उनकी जरूरतों के लिए ही जीने लगी। उन्हें खाना खिलाना, दवाएं खिलाना, नहलाना सुलाना, किताबें पढ़कर सुनाना। हो सके तो कभी कभी हंसाना। मैं जानती थी इससे कुछ भी बदलने वाला तो नहीं है। वी वर फाइटिंग द इनेविटेबल, लेकिन मेरे पास और क्या तरीका था जिससे मैं उन्हें ये दिखा सकती कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूं? किसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई मौत के बारे में सबसे तकलीफ दे बात बताऊं आपको? आप अपने प्यारों को उनके मरने से पहले ही खो देते हैं। आप उन्हें शदीद तकलीफ की हालत में तड़पता हुआ देखते हैं और अब कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी नजरें किसी ऐसी चीज को ढूंढती रहती हैं जिसके बारे में वो बात करना चाहे। आखिरी दिनों में तो बात करना भी छोड़ दिया था उन्होंने। लगते ही नहीं था पलंग पे लेटे हुए, पड़े होते थे बस।
एक परिंदे के वजन के बराबर, एक सेब खिलाने में भी उनको दो दो घंटे लग जाते थे। सबसे ज्यादा जिल्लत वो मुझसे बाथरूम में, बस उस वक्त मैं चाहने लगी कि ये मर कर अपनी तकलीफ से आजाद हो जाए। ये बीमारी आपकी सारी सारी डिग्निटी छीन लेती है, बहुत हर जज्बे को निकल जाती है। बाहर का पहला दिन था, उस दिन जब सूरज डूब हुआ तो पेड़ों पर जर्द और हरे पत्ते नजर आ रहे थे, परिंदे आसमान में गा रहे थे और गौहर अपनी खिड़की से बाहर देखते देखते हमेशा के लिए सो गए। चाहिए था जिस दिन मैंने गौहर को दफनाया उस दिन मैंने उनका मैट्रेस जला दिया था, उस पर उनके 3 महीने की अजियत की छवि बनी हुई थी और उनकी वो आराम कुर्सी जिस पर बहुत शौक से बैठा करते थे वो फालतू कुत्ते की तरह घूरती रहती थी मुझे और मुझसे पूछती थी बताओ मेरा मालिक कहाँ है, अभी मैंने दे दी किसी को। फिर एक दिन जब मैंने उनकी राइटिंग टेबल की दराज खोली तो अब मुझे आपके खत मिले और उनके हाथ के लिखे हुए कुछ रफ खत, शायद ठीक करके भेजने थे अभी आपको। उन खतों ने तो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई होगी। नहीं Not really. मैं खुश हुई थी उन्हें जिंदगी में वो आसूदगी मिली थी जो मैं शायद उन्हें कभी दे ही नहीं सकती थी। तकलीफ मुझे उनके आखिरी खतों से हुई थी जो उन्होंने आपको नहीं भेजे, जिसमें उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो शायद वो आपसे कभी कह नहीं पाए।
ये कि वो आपकी कमी को कितना ज्यादा महसूस करते हैं। और ये कि आप उनकी जिंदगी में आने वाली सबसे अहम औरत है। मैं तुम्हारे साथ यजमान जाऊंगी। कौर की कब पूछल सुनाने सुफिया मुझे आपके घर में उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। उनकी सांसों की आवाज आती है, आप सुन सकती हैं क्या? सोफिया I'm sorry. मुझे किसी से हमदर्दी लेने की आदत नहीं। एक बार कौर ने मुझसे कहा था कि वो अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहती है। अपनी मौत के वक्त वो वहां मौजूद होना चाहता है। देखो अगर मैं यही हुआ दस साल पहले जब उसे कैंसर डायग्नोज हुआ था तो वो बहुत डर गया था। उसका बाप भी इसी बीमारी से मरा था ना। मैं भी बहुत डर गई थी। कई हफ्ते तक उसका खत भी नहीं आया और एक दिन अचानक उसने लिखा कि कुछ
नए टेस्ट हुए जिनसे पता चला है कि उसका कैंसर ठीक हो गया। गौर हयात जीत गया था। और तब से आप अपना सारा पैसा एक कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को देती हैं। मुझे यहां रहने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी बीमारी वजह बनी है। ऐसा लगता था जैसे उसकी बीमारी हमें और भी करीब ले आई हो, जैसे मौत के खौफ ने हमें हमारी उम्रों से बड़ा कर दिया। जी शायद आपकी मोहब्बत ने दोबारा खड़ा कर दिया होगा उन्हें। मैं आपका बैग पैक कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। यस प्लीज। बेडरूम गॉड, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता था आप अमली जिंदगी से इतनी दूर हैं। ना मैं अपना बिस्तर बना सकती हूँ और ना ही अंडा उबाल सकती हूँ। तो कपड़े वगैरह आप कैसे धुलते हैं? मुंह से। हाँ, एक औरत रखी है इस काम के लिए, जो कराना होता है उसे कह देती हूँ। गौहर भी बिल्कुल आपके जैसे थे, घर के कामों में बिल्कुल निकम्मे, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। जो 5 महीने हमने साथ गुजारे उनमें गंदे बर्तनों और गंदे कपड़ों का एक शहर आबाद हो गया था। कुछ भी ढूंढने के लिए एक टॉर्च और नक्शे की जरूरत होती थी। आपके 4-5 ड्रेसेस और स्लिपर्स रख लिए। मैं इतनी चीजों का क्या करूंगी? 2 दिन के लिए तो जा रही हूं। क्यों, आप पहली दफा मेरे घर आएंगी सिर्फ 2 दिन के लिए? जोए, तुमने गौर के लिए बहुत किया, बहुत। लेकिन तुम समझ सकती हो ना कि हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। मैं आपकी टॉयलेटरीज रखना भूल गई। मैं नहीं, प्लीज मैं खुद कर लूंगी।
जब मैं और गौहर पहली दफा मिले थे तब हम कॉलीग्स थे, बहुत बहस किया करते थे, अपने लेसन प्लान्स डिस्कस करते थे, पर्सनल डिटेल्स भी डिस्कस किया करते थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। बहुत अरसे बाद हमें एहसास हुआ दैट वी कैन एक्चुअली बी मोर देन जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। माय बेस्ट फ्रेंड ज़ोए, माय बेस्ट फ्रेंड ज़ोए, उसने जिक्र किया था तुम्हारा। एक दो खतों में, लेकिन बहुत पहले की बात। बारह साल पहले उन्होंने मेरा जिक्र करना बंद कर दिया था जब हमने शादी करने का फैसला किया। मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम जर्नलिस्ट थी। मैं कभी जर्नलिस्ट नहीं थी, मैं एंथ्रोपोलॉजी की लेक्चरर हूं और यजमान से बाजगश्त नाम का कोई अखबार नहीं निकलता। रात ढलने वाली है, थोड़ी देर में निकलते। पहली अप्रैल, पहाड़ों में बर्फ पिघली, झीलों और दरियाओं में पानी रवा दवा है, ये उसी का शोर है, सुनाई दे रहा है तुम्हें।
कब हुई थी गौहर की डेथ? क्या बताया था तुमने? 21 मार्च। हाँ, तुमने बताया था, बाहर का मौसम था। बाहर का पहला दिन था, आज से 10 साल पहले। उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ था, मेरी एक सलाहियत है सोफिया, मैं हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कॉपी करती हूं। आपने सच कहा था, हमें झूठ की जरूरत पड़ती है। Get out of my house, सोफिया। निकलो और भागो, बहुत तेज भागना, क्योंकि अब मैं अपने गेट को निशाना नहीं बनाऊंगी। मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछने आई हूँ, आपने ये खत क्यों छापे? क्यों? तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे इससे सरोकार है। पिछले 10 साल से मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। इन खतों के जरिए ही तो मैंने गौहर को जिंदा रखा हुआ था। अपनी किताब छाप कर कत्ल कर दिया है गौहर को। अगर आप ये किताब ना छापती ना, तो मैं मरते दम तक आप। किस बात ने आपका दिमाग माउफ कर दिया था कि आप ये हरकत कर बैठी? इन सब सवालों के जवाब उस आखिरी खत में जो तुमने जाकर गौहर को देना था। नहीं, इसे मत खोलो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैं गौहर को सिर्फ एक बार देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। यही तो मुआहिदा था ना? हाँ, यही मुआहिदा था। आपको मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, शायद मैं आ ही जाती, बजाय इसके कि आप ये किताब छापकर मामला इतना खराब कर देती। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती। जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि इलाज करने से पहले गौहर को सिर्फ एक बार देख लूं, उसे बताए बगैर कि मैं बीमार हूं। लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। फिर मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आया उसे बुलाने का। जब मेरा पब्लिशर आया तो मैंने उसे खतों का पुलंदा पकड़ा दिया और कहा ये है मेरा नया नॉवल। उसने फौरन छाप दिया। तब से अब तक मैं इस इंतजार में हूं कि गौहर आएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई शिकायत करेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ।
आपको कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर। रश करती हूं मैं आप दोनों की मोहब्बत पर। आप मरेंगी भी तो कैंसर से। मेरे नए टेस्ट आए हैं जिनसे पता चला है कि मेरा कैंसर रिमिशन में है। रियली? मैं उन लाशों में से हूं जिन्हें बार बार दफनाना पड़ता है। मैं सोचा करती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो एक लम्हे के लिए ही सही सारे नकाब उल्टा दिए जाएंगे और मैं उस रूखी फीकी कड़वी सच्चाई को देख सकूं। शायद मैं वाकई मर चुकी हूं। अब तुम जाओ और जाहिर है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैं यही बैठकर गौहर का सोग मनाऊंगी। जिस दिन मैंने गौहर को दफनाया था ना, मुझे लगा था मोहब्बत भी उनके साथ ही दफन हो गई। लेकिन फिर इन खतों के जरिए मुझे आप मिली और मुझे लगने लगा कि दुनिया भी मोहब्बत से खाली नहीं हुई। लेकिन मेरे लिए हो गई है सोफिया। हम दोनों के ख्वाब इत्तेफाक से आपस में मिल गए हैं। ये गलत फहमी है, हम दोनों जानते हैं, लेकिन क्या फिर भी हम अपने ख्वाबों के जरिए एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? मेरे ख्वाबों की जिंस तुम्हारी वाली नहीं है। पिछले 10 साल में मैंने तो ये सीखा है कि मोहब्बत की कोई जिंस नहीं होती। प्लीज अब तुम चली जाओ। प्लीज मैं पहले आपसे मोहब्बत नहीं करती थी सोफिया, कैसे कर सकती थी? आप तो सोफिया नूर हैं, मुजस्सम तकब्बुर और गुरूर। मैंने आपको ये खत सचमुच सिर्फ गौहर को जिंदा रखने के लिए लिखे थे, लेकिन फिर आपकी तमाम तर बुराइयों और खामियों के पीछे मुझे एक छोटी सी चिंगारी नजर आई। गहरे अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी की अहमियत समझती है ना आप? आपके पीछे चलते चलते मैं बहुत दूर तक आ गई हूं। वापस मैं अब कहां जाऊं? मैं अकेली थी और अकेली रहूंगी। शराब से तो निकल आई हूं, लेकिन आगे खला है जो तुम्हारी मरहूने मिन्नत है। सोए
हयात, इस बार अपनी गेट की मरम्मत करवानी ही पड़ेगी आपको। दो टुकड़े हो गया है वो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारे खत का इंतजार करूंगी।